बनाते राते, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके आए हम आ जाते राते, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके आए मेरी जान चली जाए है, तू जो मुड़ के देखे आए तुझी से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके आए। पार्ट वन की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हमारे मेन लीड टॉप के पेरेंट्स लड़ाई कर रहे थे और उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो टॉप के फादर ने टॉप की मॉम के ऊपर चीट किया हो और ये सारी बातें टॉप सुन लेता है और फादर मदर से एक मौका मांगते हैं लेकिन मॉम साफ बोल देती हैं वो उन्हें कोई चांस नहीं देगी और जल्द ही उनसे डिवोर्स देकर अपने बेटे को अपने साथ यहां से लेकर चली जाएगी। और जब टॉप अपनी मॉम से पूछता है क्या हुआ तो उसकी मॉम बस उसे उसका सामान पैक करने को बोलती है और ये सुन सीधे टॉप अपने डैड के पास आ पहुंचता है। वो लड़ाई क्यों कर रही थी, क्या आपने मॉम के ऊपर चीट किया है और अगर ऐसा है तो आप उस दूसरी औरत को छोड़ दो, हम लोग वापस से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। तो डैड बोलते हैं मैंने उसके ऊपर चीट नहीं किया है, अगर हम लोग सब कुछ स्टार्टिंग से शुरू भी कर दे तुम्हारी मॉम मुझे माफ़ नहीं करेगी, इसलिए मुझे लगता है अब हमें इसी सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो टॉप बोलता है पर क्यों, आप पक्का मुझसे कुछ छिपा रहे हो, प्लीज़ घर वापस आ जाएं, मैं और मॉम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम लोग आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन डैड उसे बिना कुछ बोले स्टेज में चले जाते हैं और वो अपना न्यू लुक लेकर टॉप के सामने आते हैं जो कि एक लड़की का था और उन्हें ऐसा देख टॉप इमोशनल हो जाता है और अब हमें ये समझ आता है कि टॉप के फादर ने अपने जेंडर चेंज करवा लिया है और ये सच टॉप से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपने डैड की लिपस्टिक ड्रेस वगैरह ख़राब करने लगता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है और ये सब देख डैड को बहुत बुरा लगने लगता है। और अब कहानी सीधे 7 साल आगे चली जाती है और हम टॉप को फोटो क्लिक करते हुए एक जगह देखते हैं जहाँ उसके सामने हमारी फीमेल लीड ओम आती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये दोनों ही अभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं और ओम की खूबसूरती को देख टॉप उसकी फ़ोटोज़ देने लगता है और ओम भी पोजेस देने लगती है और टॉप उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है आप एक सुंदर दुल्हन और मैं यहाँ आपके और आपके दूल्हे की फ़ोटो लेने आया हूँ। तो ओम बोलती है एक्चुअली मैं दुल्हन नहीं हूँ। और अब जाकर वहाँ असली ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं और हम देख पाते हैं कि ब्राइड ट्रांसजेंडर है और उन दोनों को एक साथ देख टॉप को बहुत गुस्सा आने लगता है। और अब टॉप अपने फ्रेंड फ्लैट को साइड में लेकर जाता है जहाँ उनके पीछे ओम भी जाती है और इन दोनों की बातें सुनने लगती है जहाँ टॉप बोल रहा था फ्यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, दुल्हन एक ट्रांस वुमन है, मैं यहाँ फोटोशूट नहीं करना चाहता। लेकिन फ्यार उसे समझाने लगता है बट टॉप बोलता है मैं उन लोगों के कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता हूँ और इसलिए ही मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। तो फ्यार बोलता है मैं समझ रहा हूँ तुम ये नहीं करना चाहते लेकिन मेरे लिए कर दो, उन लोगों की शादी में बस कुछ दिन ही बचे हैं। तो टॉप बोलता है तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं माइंड नहीं करूँगा लेकिन मैं जा रहा हूँ। और ये सुन फ्याट को गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही फ़ोटो शूट करने के लिए चला जाता है। और अब ओम आकर टॉप को लंबा चौड़ा स्पीच देने लगती है ट्रांसजेंडर के ऊपर और बोलती है मेरी बहन एक अच्छी इंसान है, उसे लगता है ये आदमी उसका सच्चा प्यार है इसलिए उसने डिसाइड किया है इस इंसान से शादी करने का और ये उसका बचपन का सपना है कि वो भी वहाँ की लड़कियों की तरह वेडिंग गाउन पहने। लेकिन तुम उसका सपना बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जाना है तो जाओ पर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ट्रांस वुमन से नफरत मत करो। और ये सारी बातें जाकर टॉप के दिल को हिट करती है और इधर फ्याट सबको टॉप के जाने की बात बताने ही वाला था कि वहाँ टॉप आ जाता है और वो रेडी था शूट के लिए। और अब ये लोग सब आराम से मिलकर फ़ोटो शूट कंप्लीट कर लेते हैं और अब ओम टॉप से आकर पूछती है तुम्हें इस काम के लिए मना कर दिया था तो फिर हाँ क्यों कर दिया। लेकिन हमारा टॉप कुछ बोलने के बजाय ओम के क्लोज चला जाता है और उस वक्त ओम खुद टॉप को देखती रह जाती है
और इधर ओम की बहन गीना अपने दोस्तों के साथ अपनी शादी के प्लान कर रही थी और गीना इन्हें बता दिए वो अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली है बिकॉज उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो तो उसका प्यार है तो ऐसे पैसे शेयर करने में क्या दिक्कत है और वैसे मैं कुछ पैसे ओम से बोरो करने वाली हूँ। और ये सुन उसकी सारी फ्रेंड्स उसे अपने सोने के जेवर एज अ गिफ्ट देने लगती हैं। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहां ओम गीना को एक रूम लेकर आती है जहां उसके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो कि उसे गिफ्ट्स देने लगते हैं उसके दहेज के लिए। तो गीना बोलती है जब गेस्ट के पैसे आएंगे तब मैं तुम सबको पैसे लौटा दूंगी। और अब पूरा ग्रुप एक जोड़कर हग करता है। और अब नेक्स्ट डे जिम अपनी बारात लेकर आता है जहां वो पहले सारे रस्म पूरे करता है और एक ज़ोरदार डांस करके दिखाता है और हमारे ओम और टॉप दोनों ही एक बार फिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जिम चिल्ला चिल्ला के गीना को अपना प्यार कन्फेस करने लगता है जो सुनकर सारे लोग खुश हो रहे थे। और अब गीना के फ्रेंड जिम को उसका दहेज सौंप देते हैं और जिम और गीना दोनों एक दूसरे को किस करते हैं लोगों के कहने पर। और इन दोनों को ऐसा एक साथ देख टॉप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और टॉप को ना चाहते हुए भी इन दोनों की फ़ोटोज़ निकालनी पड़ रही थी। और अब इन लोगों की असली शादी होना स्टार्ट होती है जहाँ हमें एक बात पता चलती है गीना ने जिम के साइड से सारी दहेज दी है जबकि लड़के के साइड वाले दहेज देते हैं और जिम के पास पैसे नहीं थे इसलिए सारा खर्चा भी गीना ने ही उठाया है। और अब हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उस ज्वेलरी और पैसे में जिम की अलग ही नज़र थी और टॉप भी जब जिम को देखता है तो उसे भी कुछ अजीब लगता है। और अब सारे गेस्ट के जाने के बाद जिम वही रूम आ जाता है जहाँ पैसे और ज्वेलरी थे और वो रूम के अंदर आते ही हर जगह चप्पा चप्पा छानने लग जाता है कि ज्वेलरी कहाँ है। और तभी उसके पास उसकी वाइफ इंडो का कॉल आता है जो कि उसे सुना रही थी कि उसी औरत वाले आदमी के साथ रहने का प्लान हो गया है क्या। लेकिन जिम उसे ये बोल कॉल कट कर देता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन जिम को पूरा रूम ढूंढ लेने पर भी ज्वेलरी कहीं नहीं मिलती। और इधर ओम के बाद से हमें पता चलता है ओम ने वो ज्वेलरी कहीं और रखवा दिए है। और इधर गोल्फ जिम का एक जूता लेकर बैठी थी और तभी वो रूम में किसी के आने की आवाज़ सुनती है जो सुन वो जूता वहीं रख वार्डरोब में छिप जाती है। और वहाँ वो क्या आती है जिसके पास जिम का एक और जूता था और उसके पास दोनों जूते हो जाते हैं। और तभी वो भी किसी के आने की आवाज़ सुनती है और वो भी जूता लेकर वार्डरोब में छिप जाती है। और रूम के अंदर एंट्री लेता है जिम जो कि वहाँ ज्वेलरी ढूंढने के लिए आया था। और ये सारा नज़ारा वो क्या और गोल्फ दोनों ही देख रही थी जहाँ इन दोनों को समझ आता है जिम ज्वेलरी चोरी कर रहा है। और अब गोल्फ बाहर निकल के जिम को सुनाने लग जाती है लेकिन वो क्या बोलती है मुझे पता है तुम ज्वेलरी चोरी नहीं कर रहे हो बिकॉज तुम गीना से प्यार करते हो ना। बट जिम उल्टा उन दोनों को मारने लग जाता है और बोलता है मुझे बस पैसे से मतलब है और तुम सबको लोल बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि तुम सभी आदमी के बॉडी के लिए तरसते हो। कॉल बोलती है हम सभी को लगा तुम अच्छे इंसान हो मेरी बहन के अच्छे हस्बैंड बनोगे लेकिन तुम तो एक नंबर के कुत्ते से भी खराब हो। और अब मैं सबको तुम्हारी सच्चाई के बारे में बता दूंगी। और ये सुनते ही जिम गोल्फ को बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसके बाद वो क्या को। और इधर टॉप जब फोटोज़ देखता है तो उसे भी जिम के इंटेंशन में शक होता है क्योंकि हर फोटोज़ में उसका ध्यान सिर्फ ज्वेलरी की पोटरी में ही था। और उसका शक तब कन्फर्म होता है जब वो जिम को एक पतले रास्ते से भागते हुए देखता है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। और इधर गीना के दोस्तों को लग रहा था जिम आने में इसलिए लेट कर रहा है बिकॉज वो कोई सरप्राइज डैडी कर रहा होगा गीना के लिए। और अब बॉल वहीं ज्वेलरी वाले रूम आती है जहाँ वो कुछ खून के बूंद देखती है और तभी वहाँ वार्डरोब से वो क्यू एंड गोल्फ निकल के गिरते हैं। और उनकी ये बुरी हालत देख बॉल हैरान रह गई थी। और अब गोल्फ बॉल को सारी बात बताती है जो सुनकर बॉल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और इधर टॉप ने जिम को पकड़ लिया था जहाँ जिम बहाना करने लगता है कि वो तो गीना के लिए सरप्राइज रेडी कर रहा है इसलिए वो बाहर है। और इतना बोल वो मोटर बाइक लेकर भागने लगता है और तब तक टॉप की नज़र उस ज्वेलरी वाली पोटली में चली जाती है और इस वजह से टॉप उसे लड़ाई करने लगता है। और अब दोनों में मारपीट चालू हो जाती है लेकिन पीछे से आकर जिम का एक बंदा
टॉप के सर में हिट करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब जिम टॉप का कैमरा भी अपने बैग में भर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और अब जिम का वही बंदा सेरेमनी में आ बोलता है जिम बस आने वाला है और वो सरप्राइज़ प्लान कर रहा था गीना के लिए, इसलिए लेट हो गया। लेकिन वहाँ गोल्फ और वॉक की दोनों आकर सबको जिम की सच्चाई के बारे में बताते हैं, जो सुन गीना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और अब जिम का बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। बट पीछे बैठी गीना बहुत बड़े सदमे में थी और उसे कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक याद आने लगता है, जहाँ उसने टॉप के मुंह से सुना था वो जिम को बोल रहा था, तुम एक लेडी मैन से क्यों शादी कर रहे हो जब तुम इतने गुड लुकिंग हो, तुम्हारे प्यार में तो इजली सुंदर लड़कियां फिसल जाएगी, फिर तुम्हें पैसे की जरूरत है। तो जिम बोलता है मेरी फैमिली वालों का भी सेम क्वेश्चन है, एक्चुअली मुझे भी सब की तरह नॉर्मल बीवी चाहिए, बट मुझे जल्द ही समझ आ गई कि गीना की तरह मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता और प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। और यही सब याद कर गीना और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बेहोश भी हो जाती है, और इससे ओम को बहुत फिक्र होने लगती है। और इधर गांव के लोग टॉप को बेहोशी से उठाते हैं और टॉप तुरंत एक बंदे का बाइक लेकर जिम को ढूंढने के लिए निकलता है। और इधर जिम अपनी वाइफ को कॉल कर गुड न्यूज़ देता है और उसकी वाइफ भी बहुत खुश हो जाती है। और तभी जिम देखता है गीना के सारे फ्रेंड्स उसके पीछे ही आ रहे थे, जो देख वो तुरंत अपने बाइक चालू करके निकलने लगता है, लेकिन उसके पीछे टॉप आ गया था। और अब उन दोनों में फाइट चालू हो जाती है जिसमें टॉप जीत रहा था, बट जिम वॉकियों के गले में चाकू रख देता है जिस वजह से सबको पीछे हटना पड़ता है। और जिम वहाँ से मौका देखते ही निकलता है और उसके पीछे अगेन टॉप जाता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।